दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड. ठीक है, आज का सेशन इसी के लिए डेडिकेटेड होगा कि आपको क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने, मार्क्स कट जा रहे हैं. देखो बच्चे, दो बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में दो बच्चे हैं, एक है सैली और एक है पूजा. ओके, सैली को भी उतना ही पता है जितना कि पूजा को पता है. सैली और पूजा पढ़ने में बिल्कुल एक जैसे हैं. ठीक, सैली को भी उतना ही पता है जितना पूजा को पता है. दोनों एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं. अब मान लो इन दोनों ने क्या पढ़ा, ऊ जेनेसिस पढ़ा. ठीक है, ऊ जेनेसिस पढ़ा और ऊ जेनेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है. ऊ जेनेसिस पढ़ने के बाद सैली जो है, सैली के मार्क्स आ गए थोड़े से कम, है ना. सैली सिर्फ तुम्हारा ही नाम नहीं है ना, तो बुरा नहीं मानना. ठीक है, तो सैली के मार्क्स आ गए थोड़े से कम आए, जबकि दोनों को सेम पता था. इनफैक्ट सैली को इतना ज्यादा आता था, इतने ट्रिकी वे में आता था, बिल्कुल स्टोरी पता थी इसको, कि सैली ने एक्चुअली पूजा को बता रखा था कि इसमें तो ये चीजें होती है. ठीक है, सैली ने ही पूजा को पढ़ाया था. लेकिन सैली के मार्क्स बच्चे 20 में आए सिर्फ 15, और यहीं पे पूजा के मार्क्स, जिसने सैली से ही सीखा था, इसके मार्क्स आ गए फुल. तो ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस हैपन, ये क्यों होता है, मार्क्स कम क्यों आते हैं. देखो इसके पीछे रीजन है. सबसे पहले आपको जो एग्जामिनर है ना, जो चेक कर रहा है, ठीक है, जो चेक कर रहा है बच्चे, उसकी मेंटालिटी को समझनी होगी. उसकी मेंटालिटी क्या होती है, मान लो आप ही क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर नहीं, आंसर पेपर चेक कर रहे हैं, तो आपकी मेंटालिटी क्या होगी कि जल्दी से जल्दी वो खत्म हो जाए, जो भी आप चेक कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आप करेक्ट कर पाए. तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि क्वेश्चंस को आप, क्वेश्चंस को किस में लिखेंगे बच्चे, सीक्वेंस में लिखेंगे. ठीक है, क्वेश्चन शुड बी इन एक एक लाइन, जो एक एक जो मेथड मैं बता रही हूं उसको ध्यान से सुनना. एक भी स्किप करोगे तो फिर मार्क्स कम आएंगे. क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस किस में होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए. क्वेश्चंस आपका सीक्वेंस में होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो. ये नहीं कि एक के बाद सीधे पहुंच गए दसवें क्वेश्चन में, फिर पांचवें में, फिर आठवें में, ऐसे नहीं लिखना. सीक्वेंस में कोशिश करो लिखने की. ठीक है, प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर टाइम अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू मार्क्स. आप लोग क्या गलती करते हो, वन मार्क्स के क्वेश्चन में पूरा समय दे दिए. स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से लिखा, सजा सजा के लिखा, उसके बाद पांचवा मार्क्स, फाइव मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको घसीटा, बिल्कुल घसीट रहे उसको, फटाफट जैसे तैसे लिख दिया, इतनी गंदी हैंडराइटिंग की आपको समझ में नहीं है. ठीक है, तो ये आप कर रहे हैं. प्रॉपर टाइम देना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स. तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स कितना समय देना चाहिए और कितना लिखना चाहिए. देखो बच्चे, वन मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आप क्या लिखते हो पूरा. मान लो अगर वन मार्क्स के क्वेश्चन में क्या आता है, डेफिनेशन आता है और एग्जांपल आता है. ठीक है, वो सब मैं बता रही हूं कि कितने लाइन लिखने चाहिए. इतना हड़बड़ी किस बात की है भाई, इतनी हड़बड़ी किस बात की है, ध्यान से सुनो, सब कुछ बता रही हूँ. एक एक स्टेप आपकी इंपॉर्टेंट है. अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ट्वेल्थ में पेपर जाएगा कहाँ चेक होने. यहाँ तो बोल दोगे अपने टीचर को, प्लीज मैम दे दीजिए, गलती हो गया, तो वहां थोड़ी सुनने वाला है कोई, बाहर जाएगा ना चेक होने. समझ गए, ठीक. तो ये बात, एक एक बात आप ध्यान से सुनिए. वन मार्क्स के क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन टाइप का होगा. ठीक है, डेफिनेशन होगा. मान लीजिए डेफिनेशन है तो आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे उसको, जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको डिफाइन कर देंगे. एंड देन फिर आपको साथ में क्या लिखना होगा, उसके एग्जांपल. अगर एग्जांपल है तो एक दो एग्जांपल जरूर दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर टू मार्क्स का क्वेश्चन है तो वन मार्क्स का क्वेश्चन आपका एक लाइन में खत्म हो सकता है. अगर बड़ा बड़ा लिखते हो तो दो लाइन में जाएगा. ठीक है, एक लाइन में खत्म हो जाना चाहिए, बड़ा बड़ा है तो दो लाइन में जाएगा. ठीक है, फिर टू मार्क्स के क्वेश्चन में क्या आता है बच्चे, हाउ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कैसे होगा, या फिर व्हाई दिस हैपन. ठीक है, डेफिनेशन में आपका कैसे आ सकता है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. आपका वन मार्क्स में व्हाट से क्वेश्चन आता है, फिर टू मार्क्स में वाई और हाउ से क्वेश्चन आता है,
तो यहाँ पे बच्चे आपको कितना लिखना है, देखो 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको आपको 40 वर्ड्स तक लिखना है। कितने वर्ड्स? वर्ड्स याद रखो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 40, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 40 वर्ड्स होने चाहिए। लाइन कितना होना चाहिए बच्चे? 2 से 3 लाइन, 2 से 3 लाइन, ठीक है। 2 से 3 लाइन किसमें? जिसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल मीडियम, ना तो बहुत छोटी एकदम ऐसा लिख रहे हो कि दिख ही नहीं रहा है, 10 चश्मा लगाना पड़ रहा है, और कोई इतना बड़ा लिखता है कि बिल्कुल यहाँ इतने दूर से भी दिख जाए, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी आपको, 2 से 3 लाइन अच्छी हैंडराइटिंग जिसकी एक मीडियम हैंडराइटिंग में, 40 वर्ड्स, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। आपको पता है, बहुत कुछ पता है, ठीक है, आपको बहुत कुछ पता है कि मान लीजिए एल 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 एच सर्ज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए पूछ रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो आप पूरा उसके बारे में पूरा अथाह बता दे रहे हो, आपको सिर्फ क्या लिखना है कि भाई लैक ऑफ प्रोगेस्टेरोन हो जाता है वहां पे, ठीक है, वहां पे लैक ऑफ प्रोगेस्टेरोन हो जाता है, उसकी वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है ना फॉल होने लगती है। तो इसमें आपको ज्यादा चीजें नहीं बतानी है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में जैसे रीजन आ जाता है, रीजन दीजिए, या फिर आपको आ जाता है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन आता है इसमें, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं मैम, मुझे फोन से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ठीक है, ऐड कर लूंगी। क्यों ऐड नहीं हो रहा है क्या? ऐड तो हो रहा है ना, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चे रीजन और डिफरेंस बिटवीन आता है। डिफरेंस बिटवीन कैसे लिखते हो आप लोग? एक ही पैराग्राफ में? पैराग्राफ में कभी नहीं लिखना। अगर रीजन और डिफरेंस बिटवीन आता है बच्चे, इट शुड बी इन पॉइंट्स, पॉइंट्स में होना चाहिए। और डिफरेंस बिटवीन कैसे होना चाहिए बच्चे? डिफरेंस बिटवीन यस, है ना, टेब्यूलर फॉर्म में होना चाहिए, टेब्यूलर फॉर्म में होना चाहिए, ओके। तो रीजन कभी भी आए तो पॉइंट्स में लिखना है आपको, या फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रोसेस ही आ गया, एक छोटा सा प्रोसेस आ गया बच्चे, प्रोसेस आ गया, तो वो प्रोसेस कैसे? फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखो, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखो, समझ गए कहाँ पे कैसे लिखना है। और 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो कितने लाइन होने चाहिए? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चे तो 3 से 4 लाइन, 3 से 4 लाइन होना चाहिए। और कितना वर्ड्स कितना होना चाहिए? 3 मार्क्स का है तो 60 वर्ड्स, 3 मार्क्स का है तो अप टू 60 वर्ड्स, समझ गए, 3 मार्क्स का है तो 60 वर्ड्स। इतनी बात क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ वेट, मैं माइक ऑन करती हूँ, माइक ऑन करती हूँ, फिर आप पूछ लो, ठीक है। हाँ पूछो सैली। मैम मुझे ना ये पूछना था कि मैम मेरा यूट्यूब में ना एक 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा था, उसमें एक तो डायग्राम था, वो एक्सप्लेन करना उसमें दिया तो नहीं था कि उसे एक्सप्लेन करना है, बस उसमें लिखा था कि उसे लेबल करो और उसके मतलब कि उसे अच्छे से बनाओ, और फिर मैम जिसके पार्ट्स भी मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करने आते थे तो फिर मैम मेरा ऐसे रह गया वो क्वेश्चन, तो उसमें मुझे 4 में से 2.5 ही मिले, इसलिए मेरे 17 आए 20 में से। अच्छा चलो डायग्राम वाला भी देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में बच्चे आप पूछ रहे हो कि फ्लो चार्ट में कैसे लिखे, फ्लो चार्ट में जब आप लिख रहे हो तो आप नोट्स तो नहीं बना रहे हो ना, नोट्स तो नहीं बना रहे हो, फ्लो चार्ट में सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिखना, ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फ्लो चार्ट में भी लिख रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक वर्ड लिख दिया फिर एक वर्ड, हाँ जैसे नोट्स बनाते हैं वैसे नहीं, फ्लो चार्ट में ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देना ही है, ठीक है, हर लाइन में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना ही है। और याद रखना आपको हर जगह एग्जाम्पल इज कंपल्सरी, एग्जाम्पल तो दो ही, जब 1 मार्क्स में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, 2 मार्क्स में तो देना ही है, ठीक है, यहाँ भी एग्जाम्पल और यहाँ भी एग्जाम्पल, सब जगह आपको एग्जाम्पल तो देना, एक एग्जाम्पल देने में क्या चला जाएगा, तो टीचर को भी पता चलेगा कि अच्छा इसको एग्जाम्पल पता है, ठीक है, ओके। अब चलो हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन है फिर हम पढ़ते हैं कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे आपको करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चे तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना वर्ड होना चाहिए? जब 2 में 40, 3 में 60, तो 4 मार्क्स में 80, 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
ये कैलकुलेशन समझ में आ गया? यस मैम, ठीक है, तो अप टू एट वर्ड अब आपको याद रहेगा हमेशा कि भाई उसका डबल है ये, ठीक है, तो 80 वर्ड्स होने चाहिए। और कितना लाइन होना चाहिए बच्चे? मैम 5, है ना, 4 to 5, 5 लाइन तक। आप इसमें 4 मार्क्स का है तो थोड़ा सा बढ़ा दो, 4 से 5 नहीं करके 5 से 6 लाइन, 5 से 6 कर देंगे, ठीक है, 5 से 6 लाइन, क्योंकि 4 से 5 लाइन में आपका 80 वर्ड्स जाएगा भी नहीं, 5 से 6 लाइन आपको करना है। और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादातर आपको अगर आता है तो डिटेल आपको कोई प्रोसेस लिखना होता है, ज्यादातर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में प्रोसेस लिखना होता है, या फिर ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में डिवाइडेड रहता है, ठीक है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में डिवाइडेड रहता है ना, 2-2 मार्क्स डिवाइडेड रहता है, तो आपको क्या मैम ऐसे भी होता है, 2 एक एक नंबर के होते हैं, 1-2, ठीक है, या 2-2 एक एक रहेगा, या 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में डिवाइड रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है, तो ये तो आपका और इजी हो गया बच्चे, है ना, ये तो आपका और इजी बन जाता है फिर अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। और अगर मान लीजिए डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आजकल आता है 4 मार्क्स में, कैसा आएगा कॉन्सेप्चुअल, कोई एक सिनेरियो बना हुआ रहेगा, बता दिया, या फिर मान लीजिए इवोल्यूशन का केस स्टडी हो गया, किस डायरेक्शन में जाएगा, या पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं, हार्डी विनबर्ग से लेकर के बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका ह्यूमन हेल्थ से क्वेश्चन बन सकता है, ह्यूमन हेल्थ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो इस बंदे को क्या बीमारी हो सकती है और वो कैसे ट्रीट हो सकता है, कौन सा टेस्ट हो सकता है इसके लिए, ठीक है, प्रोसेस पूरा बता दिया। तो आपको सिम्टम्स, 2 सिम्टम्स पूछ लिया, 2 मार्क्स में क्या पूछ लिया, सिम्टम्स बता दो, 1 मार्क में क्या पूछ लिया कि भाई कौन सा टेस्ट होगा इसके लिए, ठीक है, मान लो टाइफाइड का पूरा सब बता दिया, फिर आपसे पूछ रहा है कि सिम्टम, फिर आपसे ये पूछ रहा है कि इसके कौन से टेस्ट होते हैं, फिर आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका कुछ इलाज बता दो, बस हो गया, समझ गए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स में, आपको 80 वर्ड्स लिखना है, 5 से 6 लाइन लिखना है, ओके, ठीक मैम, कौन से मैम क्या बता रही है, क्या बता रही हूँ, लेट आई हो, आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे, आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में कैसे करें। अब है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक बार बता दी, ठीक है, 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है बच्चे तो कितने वर्ड्स होने चाहिए बता दो, अब तो याद हो गया ना, 100 से 120 जाता है, 100 से 120 वर्ड्स ज्यादा है। और पैराग्राफ में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आप किस में लिखिए बच्चे, पॉइंट्स में लिखिए, लेकिन पॉइंट्स में लिखने से पहले स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन, ऑलवेज स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है मैम कि मान लो आपसे ऊजेनेसिस का पूरा प्रोसेस पूछा है, ठीक है, डायग्राम बना करके पूरा अच्छे से ऊजेनेसिस का प्रोसेस पूछा है, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, व्हाट इज ऊजेनेसिस, वेयर डज इट टेक्स प्लेस, ठीक है, ये दोनों चीजें तो बताएंगे आप, ओके, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है इसका मकार्टी वगैरह ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, हर्सी चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो आप ये तो बताएंगे ना कि हर्सी चेज ने ये एक्सपेरिमेंट कब किया था और ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली बताता क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा तो इंट्रोडक्शन देंगे, एंड द इंट्रोडक्शन शुड बी इन ब्रीफ, इंट्रोडक्शन किस में होना चाहिए, बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, इतना बच्चे 2 लाइन तक में, 2 लाइन, ठीक है, ट्रांसलेशन है तो बताएंगे कि व्हाट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होता क्या है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे पूरा प्रोसेस, ये नहीं कि मतलब कहीं से कुछ भी कहानी बस स्टार्ट कर दी, भाई 5 नंबर का क्वेश्चन, बच्चे आप लोग जब भी कहीं आंसर पढ़ते हो तो देखते हो कितने अच्छे वे में लिखा होता है, पहले बताएगा कि हाँ ये क्या है, फिर उसके पूरे डिटेल्स को बताएगा, लेकिन हम जो बच्चे जो आंसर करते हैं ना वो क्या करते हैं, पूछा कुछ और है लेकिन पूरी दुनियादारी की बातें बताते हैं लेकिन एक्चुअल जो चीज है वो नहीं बताते, ठीक है, राम कैसे मरा, ठीक है, वो नहीं बता के बताएंगे कि राम का जन्म यहाँ हुआ था, उसके पापा ये थे, बताएंगे और फिर लास्ट में एक लाइन में बताएंगे कि राम कैसे मरा, बच्चे राम कैसे मरा इस पे फोकस करना है आपको,
एक लाइन में नहीं बताना उसको। तो ऊ जेनेसिस का अगर प्रोसेस आता है 5 मार्क्स में, तो ऊ जेनेसिस का पूरा प्रोसेस डायग्राम के साथ बताएंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंट्रोडक्शन तो होगा ही, इसमें डायग्राम जरूर ऐड करना। अगर इसमें डायग्राम है, मस्ट ऐड डायग्राम। ठीक है, यहाँ डायग्राम तो एकदम 100% ऐड होना है, चाहे आपसे पूछा है या नहीं पूछा है, आप डायग्राम जरूर ऐड करो। जैसे 1, 2, 3 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे एग्जांपल पूछा है या नहीं पूछा है, लेकिन एग्जांपल जरूर ऐड करो। यहाँ पे डायग्राम जरूर ऐड करो, बना सकते हो। ठीक है, क्लियर। मान लो आपसे यहाँ पे पूछा है, अभी हमने माइक्रोब्स में पढ़ा था ना, क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरा आपसे पूछा है, तो आप एक वहां पे पूरा उसका प्रोसेस तो बता रहे हो, लेकिन आप डायग्राम कैसे बना सकते हो? उसका फ्लो चार्ट मैंने डायग्राम बनाया है ना बच्चे, कि सबसे पहले इस तरह से होता है, फिर ग्रिड जाता है। आप बताओ कि कोई भी बच्चा इस तरह से लिखेगा तो आप उसको मार्क्स दोगे कि नहीं? वो पैराग्राफ में एक बच्चा लिख रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट पूरा तुम पैराग्राफ में लिख रहे हो कहानी, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा या इसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा? अगर आप पैराग्राफ में सोले की कहानी लिख देते हो और यहाँ पे इस तरह का बना देते हो, टीचर का पूरा ध्यान कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा कि वाह, बच्चे ने तो बहुत अच्छे से सीक्वेंस में लिखा हुआ है कि भाई ग्रिट होता है, फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक होता है, एरेशन टैंक होता है, बहुत अच्छे से आपने इसको बिल्कुल बता दिया, डायग्राम भी किया, लेबलिंग भी की। ठीक है, ओके। तो आपको पैराग्राफ में आंसर लिखने से बचना है। ठीक है, अवॉइड पैराग्राफ। ठीक है, मैं यहां लिख दूं, अवॉइड करना है बच्चे पैराग्राफ को, अवॉइड पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ डायग्राम। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग्स को अवॉइड करेंगे आप। अगर कोई भी प्रोसेस लिखा है, कुछ भी डिटेल लिखा है, मान लो आपको लिखा है कि प्लास्मोडियम लाइफ साइकिल लिखा है, ठीक है, प्लास्मोडियम लाइफ साइकिल लिखा है, तो उसमें भी आप फ्लो चार्ट के थ्रू पॉइंट 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 बताएंगे। जैसे पहला पॉइंट बता दिया आपने, एक लाइन दो लाइन में लिख दिया, फिर एरो डालो, फिर दूसरा पॉइंट लिखा, या फिर यहाँ पे स्टार मार्क डालो, यहाँ पे स्टार मार्क डालो। ठीक मैम, जैसे इंट्रोडक्शन भी हमें बताना है, तो वो भी नहीं इन पॉइंट्स में इंक्लूड करना है या वो नहीं? इंट्रोडक्शन अलग से पहले लिखो, ठीक है, इंट्रोडक्शन पहले अलग से लिखो, उसके बाद फिर लाइन से लिखते चले जाओ, उसके बाद लाइन से फिर लिखते चले जाओ। फिर आप प्लास्मोडियम की लाइफ साइकिल पूछा है, उसमें नहीं लिखा है कि आपको लेवल डायग्राम बनाना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि 100 से 120 वर्ड्स का है, 5 मार्क्स का की बात है, तो आप डायग्राम बनाना चाहिए कि नहीं? बनाना चाहिए ना, 5 मार्क्स है बच्चे। कहीं भी आप नेट में कहीं भी डिटेल आंसर ढूंढते हो तो वहां पे डायग्राम बना हुआ होता है कि नहीं, लॉन्ग में? ठीक है, स्कूल वाली मैम तो ये कह रही थी, पर किसी के बारे में बोला हो लिखने के लिए तो लिखना है, डायग्राम जब बोला हो तो जब बनाना फिर? नहीं 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 बच्चे, नहीं नहीं नहीं, डायग्राम जरूरी होता है। और आप जितनी अच्छी बुक्स है ना, जैसे मान लो अरिहंत की बुक है, ओसवाल की बुक है, जिसमें सब्जेक्टिव आंसर होते हैं, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। अभी मैं खोल के दिखाऊंगी, ठीक है, अभी मैं आपको उसमें से एक बुक आपको खोल के दिखाती हूँ कैसे उसमें आंसर लिखा होता है। तो अगर वहां पे प्लास्मोडियम की लाइफ साइकिल है तो आप वो डायग्राम बनाइए, और अगर फ्लो चार्ट में मान लो डायग्राम नहीं दिया है, नहीं बनाने आ रहा है, तो ऐसे फ्लो चार्ट में बता सकते हो ना कि सबसे पहले क्या आएगा, स्पोरोजॉइट आएगा, फिर वो ब्लड में जाएगा। हाँ, मैंने बताया हुआ है ना कैसे फ्लो चार्ट से, ऐसे सर्कल में कैसा बनेगा बच्चे, स्पोरोजॉइट आएगा, फिर वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर वो बहुत सारे स्टेजेस होंगे उसके, फिर वो आपके ब्लड से निकल के पार्टी करेंगे। हाँ, इस तरह से आपको बनाना है पूरा। ओके, तो इतनी बात क्लियर हो गई कि 5 मार्क्स में क्या करना है आपको, पॉइंट्स। और हमेशा याद रखना कि कभी भी डिफरेंस बिटवीन आता है। ठीक है, तो ये जो सैली थी और ये पूजा थी, तो सैली ने क्या किया था कि भाई जो डिफरेंस बिटवीन है, डिफरेंस बिटवीन इसने स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस को क्या किया था, पैराग्राफ में लिख दिया। और यही, ये बहुत स्मार्ट थी, इसको पता था कि भाई टीचर्स को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है आंसर, टीचर को सब पता होता है कि क्या होगा, टीचर्स को आंसर पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो ये दिमाग से खेल गई टीचर के, ये टीचर को, इसको जबकि बहुत सारे पॉइंट्स इसने गलत लिखे थे, लेकिन इसने क्या किया, आंसर तो लिखा, साथ में क्या किया बच्चे, हाईलाइट किया। ठीक है, अब मैं कुछ स्पेशल टिप आपको देती हूँ, स्पेशल टिप।
ठीक है, सबसे पहले मैम पीछे कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। वेट वेट वेट, पॉइंट में लिखो, पॉइंट्स में होने चाहिए आंसर, है ना। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं, आंसर शुड बी इन पॉइंट्स, शुड बी इन पॉइंट्स, पॉइंट्स में लिखो। दूसरे टिप क्या है बच्चे आपकी, कि आपको हर आंसर के बाद एक लाइन खींचनी है, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ सेपरेशन लाइन इसको बोल सकते हैं, सेपरेशन लाइन आफ्टर आफ्टर ईच क्वेश्चन, आफ्टर ईच क्वेश्चन। पता है इसका फायदा क्या है, जब आप एक सेपरेशन लाइन खींचते हैं तो मान लीजिए टीचर का ध्यान कहीं और है और आपने क्वेश्चन वन के बाद क्वेश्चन सेवन डायरेक्ट लिखा है, क्वेश्चन वन के बाद क्वेश्चन सेवन डायरेक्ट लिखा है, तो ऐसे ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जब आप एक सेपरेशन लाइन खींचे हैं बच्चे, तो टीचर का ध्यान ऑब्वियसली वहां जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो सेपरेशन लाइन आपको खींचनी ही है, ठीक है। और आपको क्या करना है, पूजा ने और क्या किया बच्चे, पूजा ने और क्या हर क्वेश्चन के बाद, हाँ हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन बीच में खींच दो, क्या दिक्कत है, देखने में भी आपकी कॉपी अच्छी लग रही है, ठीक है। अब आप टू, अगर अलाउड है, अगर अलाउड है ब्लैक कलर, तो टू पेन्स यूज कर सकते हैं, टू पेन्स, ठीक है। पेपर के एंड में ना पेंसिल से स्केल से सारे लाइन खींच देती हूं ब्लैक एंड। अब तो बच्चे अलाउड नहीं है कलर, स्केच जो है अलाउड नहीं है, पहले स्केच वगैरह अलाउड होता था, अब अलाउड नहीं है, तो ब्लैक एंड ब्लू दोनों यूज करो अगर अलाउड है तो। और आपको क्या करना, बताती सिर्फ ब्लू अलाउड है, ठीक है। और अगर सिर्फ ब्लू अलाउड है तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर आपने कुछ ऐसा वर्ड लिख रखा है ना जो कि अलग है, ठीक है, जो सबसे उस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपने एल एलेक् सर्ज लिख दिया, ठीक है, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल बता रहे हैं, एलेक् सर्ज लिख दिया, तो भाई एलेक् सर्ज को अंडरलाइन करो, अच्छी बात बताई आपने। आपने बताया कि लैक ऑफ प्रोगेस्ट्रॉन, तो लैक ऑफ प्रोगेस्ट्रॉन को अंडरलाइन करो, अच्छी बात बताई है आपने। तो जो इम्पोर्टेंट चीज होती है उस स्टेज में, जैसे ऊजेनेसिस में, ऊजेनेसिस में पोलार बॉडी बना, ठीक है, पोलार बॉडी छोटा बनता है और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, और पोलार बॉडी क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। तो आपने कुछ अलग बताया, ठीक, वहां पे डीजेनरेटेड पोलार बॉडी। फिर जो सेकेंड ऊसाइट बनी है, सेकेंड ऊसाइट अभी ओवम नहीं बनी है, वो ओवम कब बनेगी, स्पर्म से मिलने के बाद, सेकेंड ऊसाइट है, ओवम नहीं बनती है, हाँ वो निकलती है ओव्यूलेशन में, जो निकलती है वो सेकेंडरी ऊसाइट ही रहती है, वो कभी भी ओवम नहीं, ओवम कब बनेगी, जब उसको मिलेगा स्पर्म, है ना, उसका दोस्त जब मिलेगा तभी वो ओवम बनेगी। तो ये कुछ लाइन जो है कि सेकेंडरी ऊसाइट विल कन्वर्टेड इनटू ओवम व्हेन स्पर्म के साथ उसका जो फ्यूजन होगा, व्हेन इट गेट फ्यूज्ड विद द स्पर्म, तो आपको वहां पे अंडरलाइन करना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हल्का अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट करो। कैसे हाईलाइट कैसे कर सकते हो, या तो अंडरलाइन करो या तो उसको कैपिटल में लिख लो, कैपिटलाइज, अगर एक ही पेन यूज कर सकते हो, ठीक है, इफ वन पेन इज यूज्ड। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। बकवास तो नहीं लग रहा है कि क्या बकवास मार रही है मैडम आज? नो मैम मैम एक चीज पूछना है। किसने बोला एक चीज पूछनी है, वो पूछो पहले। हाँ मैम, जो सीक्वेंस में लिखना है आपने कहा, तो अगर हमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो हम पहले नहीं लिख सकते दूसरे वाले जो है? हाँ लिखो, इसीलिए तो मैंने क्या बोला अभी कि एक सेपरेशन लाइन जरूर खींचो। तो क्यों, क्या होगा, अगर वन के बाद आपने सेवन स्टार्ट किया है तो एकदम एग्जामिनर का ध्यान जाएगा कि अच्छा इसने वन के बाद सेवन लिखा है, तो वो आपको जो सही मार्क्स देना है वही देगा। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि सेवंथ क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन नंबर टू एक जैसा मिलता जुलता है, ठीक है, पता चला उसने देखा, अरे क्या बकवास, क्वेश्चन नंबर टू तो एक नंबर का है, क्या बकवास लिख रखा है इसने, ध्यान नहीं दिया, इतनी कॉपीज है, बस एक नंबर मिल गया आपको मैम। और जो मतलब मैंने देखा था कि उन्होंने कहा था अगर आंसर लिखते हो ना तो एक पेज में जैसे थोड़ा सा आंसर आया तो हाफ अगर बच भी गया तो नेक्स्ट पेज में लिखो, मतलब पहले जब मैंने देखा था लिखने का ट्रिक्स, तो ऐसा करते हैं
नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो कि हाफ बच गया तो फिर तुरंत तो उसको पता चला, मान लो कि टीचर को ये लग रहा है कि आगे आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो मैम छूट भी जाते हैं आगे के आंसर, आगे के छूट जाते बच्चे ऐसे में, उसको उनको ये भी तो लग सकता है कि आपकी खत्म हो गई, अब आपने आगे कुछ नहीं लिखा है, खाली है, क्योंकि बहुत हड़बड़ी में कॉपी चेक होती है बच्चे, समझ गए? तो मैम अगर आधा क्वेश्चन रह जाएगा तो फिर क्या करेंगे? क्या मैम जैसे कि एक शीट पे हमारा आधा क्वेश्चन आ गया, आधा रह गया तो नेक्स्ट शीट में लिखो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जैसे मैं जैसे मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ पेपर को कि जो बड़े नंबर के हैं वो उन्हें पहले करता हूँ, तो ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैं तो पूरा सीक्वेंस से करती हूँ। लेकिन सुनो, अगर बड़े नंबर के क्वेश्चंस पहले लिखे हो तो वो भी फिर सीक्वेंस में लिखना, ये नहीं कि पीछे से लिख रहे हो। हाँ पीछे से लिख रहे हो चालू हो जाते हैं फिर, एमसीक्यू वाले जो होते हैं वो बिल्कुल एंड में होते हैं, तो अगर पीछे से भी लिख रहे हो तो कोशिश करो कि सीक्वेंस में हो, ज्यादा जो टीचर है उसको परेशान नहीं करना है कि पांच नंबर का लिखा फिर वन में जंप कर गए फिर तीन में जंप कर गए, तो ऐसे में पता है मार्किंग हो ही जाती है। मैं बच्चे हम भी कॉपी चेक करते थे, हमसे भी ये गलतियां होती थी, तो मैं जो एक चेकिंग करने वाले की जो दिक्कत होती है ना, वो किस किस मेंटेलिटी से गुजरता है उसको मैं आपको बता रही हूँ कि वो कैसे मार्क्स देता है एक्चुअली, ठीक है? तो आप अगर सीक्वेंस में लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप सीक्वेंस में नहीं लिखते हैं तो सेपरेशन लाइन डालिए, और ये सेपरेशन लाइन वन मार्क्स के क्वेश्चन में मतलब मत डालिएगा। सेपरेशन लाइन कब डालना है बच्चे? सेपरेशन मार्क्स सेपरेशन लाइन डालना है आपको बड़े क्वेश्चन, ठीक है? टू क्वेश्चन टू मार्क्स क्वेश्चन अगर थोड़ा सा लिखा है उसमें अच्छे से, या फिर थ्री मार्क्स क्वेश्चन से डालिए तो बहुत अच्छा है, थ्री मार्क्स क्वेश्चन ऑनवर्ड। ओके तो ये हो गई आपकी स्पेशल टिप कि आपको अंडरलाइन करना ही है। देखो स्पेशल टिप से ये जो अंडरलाइन करने से क्या होता है, देखो कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत सी चीजें ऊपर गलत लिखी हुई है, बहुत सी चीजें ऊपर गलत लिखी हुई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है? जैसे ऐसे वगैरह आते थे ना तो ऐसे कोई टीचर नहीं पढ़ता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्टार्टिंग में मैंने उसका इफेक्ट, जैसे इफेक्ट है मैंने इफेक्ट लिख दिया, फिर उसके कॉजेस को अंडरलाइन कर दिया, कुछ कॉज को ऐसे मुझे बाकी मैंने कहानियां लिख रखी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर दिया, टीचर का पूरा ध्यान सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइन पॉइंट पे जाएगा। मैं भी ऐसे करती हूँ, सीओ चार्ट पॉइंट्स और ऐसे बना के करती हूँ, तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, मार्क्स भी देते हैं और आंसर शीट मार्क्स अच्छा आता है बच्चे, भले आपने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और स्पेशली जब आपको आंसर अच्छे से नहीं आता तब तो जरूर इम्पोर्टेंट पॉइंट को कीजिए अंडरलाइन, इससे क्या होता है बहुत फायदा होगा। हाँ इससे ना आप इन्विजिलेटर के दिमाग से खेलते हैं कि उसको वही पढ़ाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान फिर बाकी चीज में नहीं जाएगा, उनका ध्यान जाएगा अच्छा यहाँ अंडरलाइन है, यहाँ अंडरलाइन है, अच्छा इसने ये चीज लिख रखी है, वाह वाह पूरा मार्क्स मिल गया, बाकी बाद में आपको पता है कि आपने उसमें कचरा कर रखा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत कुछ अच्छे से लिख रखा है लेकिन अब टीचर को लग रहा है कौन इतना पढ़े, और पता चला ज्यादातर ऐसे केस में क्या होता है जो गलतियां होती है ना उसमें टीचर का ध्यान ज्यादा जाता है। देखो जो चेक करते हैं लगातार उनका ध्यान सबसे पहले गलतियों में जाता है, ये ऐसे हो जाती है, ठीक है? मैं भी जब चेक करती थी तो उतने मतलब अगर तीन पन्ने का भी पेपर है बच्चे, तीन पन्ने का भी आंसर है तो जहां जहां गलतियां वहां जरूर ध्यान जाता है, ठीक है? जहां जहां ओवर राइटिंग है वहां पे ध्यान जाएगा, तो ज्यादा बेटर है कि आप टीचर को वो चीजें दिखाएं जो आप दिखाना चाहते हैं, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाएं, हाईलाइट करें। ओके मैम उस वक्त क्या करें, मतलब जैसे निकलने से पहले तो याद करके जाते हैं, सब कुछ याद रहता है तो ऐसा लगता है कि अब बस हो जाएगा पेपर में, बट मैम क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं, एकदम जो आता भी होता है वो भी भूल जाते हैं। इसके लिए क्या करना है बच्चे, हाउ टू रिमेम्बर दिस पॉइंट, ये भी मैं बता देती हूँ, हाउ टू रिमेम्बर दीज पॉइंट्स, है ना? भी बड़ी बात है मैम आपने पॉइंट्स तो बता दी लेकिन याद ही नहीं रहेगा, वहां तो क्वेश्चन पेपर देख के हाथ पैर कांपने लगते हैं, सब प्रैक्टिस करेंगे अगर इन पॉइंट्स का यूज करेंगे तभी हो पाएगा। हाँ सो रिमेम्बर करने के लिए आपको क्या करना है बच्चे, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, समझ गए? आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है तो इससे क्या होगा, these things will be habituated, these things will be habituated,
ये आपके हैबिट में आ जाएगी, फिर नहीं चाहते हुए भी आपका हाथ अपने आप वहां पे अंडरलाइन करेगा, दीज थिंग्स विल बी हैबिचुएटेड। एंड दूसरी बात क्या होगी, इसका फायदा और क्या है बच्चे, इसका फायदा ये है कि आपका राइटिंग स्पीड फास्ट होगा। आपको सब कुछ पता है और आप लिख नहीं पाए, इससे बड़ा जो है ना, मतलब ये जो दुख होता है बच्चे, ये जो दुख, हाँ ये जो दुख है, ये बहुत बड़ा दुख होता है कि आपको सब पता है और आप नहीं लिख पाए, तो बच्चे इससे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग, मैं बार बार बच्चों को बोल रही हूँ, ठीक है आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले ट्वेल्थ भी तो भाई टारगेट करो, एमसीक्यू के चक्कर में लगे हो, ठीक है एमसीक्यू तो अच्छी बात है, 5 मार्क्स के आंसर अगर लिखना शुरू कर दोगे, एमसीक्यू तो अपने बनेंगे ना बच्चे, उसी के अंदर से तो एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो आपको एमसीक्यू, ये जो है आंसर राइटिंग, अब स्टार्ट कर देना चाहिए, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट राइटिंग आंसर। ये आंसर कहाँ से लिखोगे मैम, क्वेश्चन कहाँ है मेरे पास, चलो मैं क्वेश्चन भी देती हूँ, क्वेश्चन देती हूँ, ठीक yes, है क्वेश्चन दे दिया करो आप, मैं क्वेश्चन देती हूँ हर चैप्टर के, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी एंड फिर मैं आप लोगों को आंसर भी बताऊंगी कि कैसे लिखने हैं। ये सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम, यस मैम, लिख लिया मैम, एक बार फ्रंट वाला ले लिया ओके। एंड पहले स्लाइड दिखाना एक बार, एक बच्चे ने लिया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कल का जो हमारा रिविजन सेशन होगा, उस रिविजन सेशन में मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन कराया है, ठीक है, पीडीएफ भेजा है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर आप याद कर लेंगे। उसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आऊंगी, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन लेके आऊंगी, न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊंगी, वो भी हम करेंगे, लेकिन मैं वो देखूंगी कि आपने कितना पढ़ा है, कितना याद किया, एक नंबर भी बायोलॉजी में कटना नहीं चाहिए। मैम आपने बोला था कि जो इवोल्यूशन की वेटेज है वो 3 मार्क्स है, मैम मैंने BYQ करे थे ना, मैम एक एक ही दिखा रहे थे कि 2022 में एक आया था ऐसे। मैम फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए क्योंकि फिर आपने ऐड किया था ना। मैं आपको टोटल बताती हूँ कि अभी तक कितने क्वेश्चन आए हैं, मतलब मैक्सिमम 1 से 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि एकदम एग्जैक्ट 3 क्वेश्चन, लेकिन 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस बार का पेपर मैं बता दे रही हूँ पहले ही, इस बार का पेपर होगा डिफिकल्ट, क्योंकि इस बायो, हाँ इस बार इजी आया था, अब इस बार आपका डिफिकल्ट पेपर आया, समझ गए। और चूंकि क्यों डिफिकल्ट आएगा, एनसीईआरटी की लाइन से ही आते हैं ना सारे क्वेश्चन, बाहर से तो अब आते नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन। आप नीट की बात कर रहे हो या वंती के पेपर की? मैं नीट की बात कर रही हूँ, ठीक है okay. तो एनसीईआरटी की लाइनिंग से ही आती है, तो कितने क्वेश्चन बनाएंगे, अब एनसीईआरटी की लाइनिंग को और ज्यादा ट्विस्ट करना शुरू करेंगे, तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, और ऐसे होता ना अल्टरनेट करके चलता है, और इस बार बच्चे भी ज्यादा होंगे देने वाले एग्जाम, ठीक है। ये इस बार मेजर टेस्ट कब पड़ेगा? मैम नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। अरे यार ये आप लोग क्यों नहीं जल्दी खत्म कर रहे, तो फिर मैं आप लोगों को पेपर दिखाऊं कि कैसे। मैम हो गया, आप दिखा दो ये सबका। मैम बस 3 स्लाइड थी ना? हाँ हाँ 3 स्लाइड थी, ठीक है। अब मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, ये दिख रहा है सबको? अच्छा अभी आया नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा मैम, अभी आया नहीं है। यस मैम आ गया, यस मैम आ गया, आ रहा है भाई, आ रहा है। यस मैम एग्जांपलर है तो, हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं बच्चे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको चाहिए ही चाहिए। ये इसमें जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल कैसा होता है, जैसे आपका 12th का क्वेश्चन पेपर आ रहा हो, जैसे पहले एमसीक्यूज आ गए, सारे एमसीक्यूज आ गए, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आएगा बच्चे, एमसीक्यूज आने के बाद 2-3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट आ गया, वेरी शॉर्ट में किस तरह का क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइव फॉर्म दैट हैज बीन फॉसिल। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक पूछा है तो आप इसको पॉइंट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे उनके, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डिड एक्वेटिक फॉर्म्स गेट फॉसिल, वेरी शॉर्ट है, तो आप इसको यस या नो में डायरेक्ट लिखेंगे, इफ यस
वेयर डू वी कम अक्रॉस सच फॉसिल, कहां मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे इस तरह का क्वेश्चन हो गया, ये ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है। यस मैम, ठीक है। फाउंडर इफेक्ट डायरेक्ट पूछा है, तो देखो आपको टू मार्क्स में या वन मार्क्स में आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, व्हाट, हु, व्हेन, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो व्हाट, हु, व्हेन इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आप दुनिया भर की बातें नहीं बताएंगे, अरे मेरे को तो सब पता है, देख मैं दिखा दूं आज टीचर को कि मुझे क्या क्या पता है, तो टीचर भी आपको दिखा देंगे फिर, और जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होगी, फिर टीचर बोलेगा कि इतनी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक, फिर इंप्रेशन बिल्कुल खराब हो जाएगा आपका। तो जब आपको फाउंडर इफेक्ट पूछा है या हु अमंग द ड्रायोपिथेकस रमापिथेकस वर मून मोर मैन लाइक, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो डायरेक्ट आंसर करना है, नहीं तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी आपको, समझ गए। चलो लॉन्ग आंसर में, आपका लॉन्ग आंसर में आपको बच्चे ये सारे क्वेश्चन, देखो लॉन्ग आंसर में ज्यादातर आपको एक्सप्लेनेशन देने को पूछ, एक्सप्लेनेशन मांगता है आपसे, कोई प्रोसेस मांगता है, फिर लॉ है, लॉ को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, फाइव फैक्टर्स को बताइए। तो अगर फाइव फैक्टर्स मान लो लिखा है, लिस्ट द फाइव फैक्टर, राइट द फाइव फैक्टर, अगर पांच फैक्टर पूछा है तो पांच लाइन लिख के मत आ जाना। बच्चे क्या लिखते हैं, मान लो पांच कैरेक्टरिस्टिक पूछा है तो बच्चे क्या करेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच लाइन लिख दिए बस हो गया, फिर आते हैं मैंने तो पूरा एकदम बहुत अच्छे से दिया, अब पांच लाइन में क्या टीचर देगा नंबर। फाइव मार्क्स क्वेश्चन में बच्चे कम से कम 100 वर्ड्स तो लिखोगे ना, अब ये पांच लाइन में टीचर क्या नंबर देगा, दो नंबर देगा इसमें। इतनी बात समझ में आ गई, ना तो बहुत ज्यादा छोटा लिखना है आपको, ना ही बहुत ज्यादा मतलब शोले की मूवी लिख करके आना है, पूरा बड़ा बड़ा नहीं लिखना है आपको, ओके। चलो अब मैं आपको, हाँ तो मैंने आपको ये बता दिया कि क्वेश्चन आपको कहाँ से लिखना है, क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएगा, क्वेश्चन पकड़ो उसके आंसर लिखना शुरू करो, ठीक है, क्वेश्चन पकड़ो उसके आंसर लिखना शुरू करो। और स्टार्ट करना किस आंसर से, जो आंसर आता हो, ऐसे नहीं कि लिया अरे ये तो बन ही नहीं रहा, उसके बाद सारा आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। ऐसा करें आपको हर दिन कोई ना कोई दो तीन आंसर क्लिक करके फोटोशॉप करके भेजें, आप देखें चेक करें और बताएं कैसा लिखा हमने। Yes, ma'am. Yeah. मतलब खुद से लिखे हम और आप चेक करके बता दो। हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये नहीं कि इतना भेज दो कि बस फिर मेरा फोन ही भर जाए। मैम एक एक, हाँ एक एक आंसर का ही सिर्फ भेजोगे, एक एक आंसर का ही भेजोगे, और जिसका बेस्ट होगा आंसर तो फिर मैं दिखाऊंगी कि देखो ऐसे आंसर लिखना। चलो मैं आप लोगों, नहीं मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी उसके आंसर आप लोगों को लिखना, वो ज्यादा बेटर। यस मैम ये ठीक है। एक क्वेश्चन मैम बट अभी ना आप सेटिंग कर देना कि सिर्फ वो ही एडमिन कर सके, ताकि मैम आपका मैसेज लास्ट तक रहे। नहीं मेरा एडमिन ही है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी, फिर जब आंसर भेजना होगा तो आप लोग मुझे पर्सनल आंसर भेजेंगे, फिर जो बेस्ट आंसर होगा फिर मैं उसको दिखाऊंगी कि देखो ये बेस्ट। ओके मैम ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। ट्वेल्थ की तैयारी अच्छे से होगी, और मान लो कभी आपको इसके अलावा कोई बड़े किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ना हुआ, ठीक है, तो भी आपके लिए बेटर होगा ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाओगे तो भाई एक एक क्वेश्चन 25 नंबर का आता है, तो 25 नंबर का आता है तो बहुत लिखना पड़ेगा, तो कभी अच्छे मार्क्स ला ही नहीं पाओगे, 60% से ज्यादा नहीं ला पाएगा उसमें, तो एक एक आंसर जो है 10 का आता है। हाँ हाँ 25 नंबर का, 20 नंबर का, और बच्चे आपको एक कहाँ तक लिखते हैं कि फिर आपको बच्चे 10-10 पेज, और वहां पे जब आपकी स्पीड ऐसी नहीं रहेगी तो हिंदी मीडियम वालों की स्पीड बहुत रहती है, पता है कि नहीं, बहुत लिखते हैं, लिखते बहुत ज्यादा रहते हैं, हाँ तो वो बहुत लिखते हैं, फिर वो हिंदी मीडियम वालों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम, ये मैंने हमेशा इंग्लिश मीडियम वालों के मार्क्स फिर वहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि उनको टेंथ तक बहुत मार्क्स आते थे, क्योंकि मैं टेंथ तक हिंदी मीडियम में थी ना, लेकिन जब से इंग्लिश मीडियम में तब से आते ही नहीं है, समझ गए। मेरे साथ भी था ये। अब ये आपको समझ में आया कि क्वेश्चन कहाँ से करना है। अब चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं अरिहंत दिखाती हूँ कि इसमें आंसर कैसे लिखता है वो, ठीक है। ओसवाल भी है मेरे पास, ट्रूमेंस कैसी है? यस मैम ट्रूमेंस हमारे पास। अच्छा ट्रूमेंस भी अच्छी है। एक बच्चे आपकी लास्ट मोमेंट मैम मॉडर्न एबीसी कैसी है?
आप लोग देखो लास्ट मोमेंट पे ना जो मैं बुक बता रही हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा बुक मत रखा करो, बहुत ज्यादा बुक मत रखा करो मैम, बस एक ही रखी है ट्रू मैन से। एनसीईआरटी एनसीईआरटी रखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीदो मत, डाउनलोड करो, समझ गए, डाउनलोड करके स्टेपल करके रख लेना। मेरे पास सिर्फ एनसीईआरटी की है और जो स्कूल से मिल जाती है और कुछ नहीं है मेरे पास, और लाइब्रेरी से ले लेते हैं। और दूसरी बात, डोंट ऑलवेज स्टिक टू ओनली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी माता है, सबसे अच्छी बुक है, लेकिन आपको बच्चे हमेशा सिर्फ एनसीईआरटी पे ही स्टिक नहीं रहना है। एनसीईआरटी करो, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू का बुक रख लो, एमटीजी रख सकते हो, है ना, एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स रख सकते हो, वो भी मिल जाएगी प्ले स्टोर पे। फिर आप लास्ट मोमेंट पे एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट एक बुक है बच्चे, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट एक बुक है जो दिशा पब्लिकेशन की है, बहुत अच्छी बुक है, मेरे पास रखी हुई है, मैं हमेशा इसको यूज करती हूँ। इसमें एनसीईआरटी का एक एक लाइन से कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, मैंने कुछ बच्चों को खरीदवाई भी है, लाइब्रेरी में मेरे लाइब्रेरी में रखी हुई है, ये बुक खरीद लो तो आप लोग लास्ट में ये बुक खरीद सकते हैं, रिविजन के लिए अच्छी है, एक एक लाइन से कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, लेकिन ये बुक तभी खरीदना जब आपको पढ़ना हो। इतनी मोटी प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेंगे मैम, ये लिखाना बच्चे आएंगे जब आएंगे। मैम बुक का नाम क्या है? दिशा पब्लिकेशन की बुक है ये, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट है, ऑब्जेक्टिव एक एक लाइन इसकी इम्पोर्टेंट, मतलब एनसीईआरटी में कहां से क्या क्वेश्चन आया है वहां से दी हुई है, ठीक है। आप इसको इसका ऑनलाइन ये भी मिलता होगा ना, ई बुक वगैरह भी मिलता होगा, ठीक है, लेकिन इसको अभी नहीं परचेज करना, अभी पैसे बर्बाद नहीं करना, जब आपको लग जाएगी हाँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है, रिवीजन की जरूरत है, तब आप खरीद सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये बुक अरिहंत, वेट वेट थोड़ा सा देख, ये कहाँ गया बुक, हाँ ये देखो ये बुक है, ये देखा, ये आप लोगों को देखा, ये देखो कितना आंसर लिखना है, हाँ शॉर्ट आंसर है तो आपको कितना लिखना है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन हॉर्मोन्स, एकदम टू द पॉइंट, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको टेबुलर बनाना है फॉर्म, ठीक। फिर आपको इसी में शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है तो शॉर्ट में इतना ही आपको लिखना है, इसमें सबके आंसर लिखे हुए हैं बच्चे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है ना आपका, उसके आंसर लिखे हुए हैं कि कितना लिखना है, एक शॉर्ट में कितना लिखना है, वेरी शॉर्ट में कितना लिखना है, लॉन्ग में कितना लिखना है, देख रहे हो, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसमें। व्हाई एंडोक्राइन कॉल्ड द बायोलॉजिकल क्लॉक एंड व्हाई, ठीक है, व्हिच एंडोक्राइन कॉल्ड द बायोलॉजिकल क्लॉक एंड व्हाई, तो सबसे पहला पूछा है व्हिच, तो विच का आंसर हमने दे दिया। अब आप ये नहीं बताएंगे कि बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, जब पूछा है छोटा सा आंसर है, टू मार्क्स का है, तो आप सिर्फ क्या बताएंगे कि कौन सा है, फिर आप डायरेक्ट बताएंगे बच्चे व्हाई, ओके, गिव द नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन, तो आप कैल्सिटोनिन कौन प्रोड्यूस करता है ये बता दिए, फिर इसका रोल बताना है तो रोल बता दिए, शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्ट ही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक। देखो किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके ट्वेल्थ में, कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, सब इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। फाइव मार्क्स का इसका देखें लॉन्ग आंसर,
लॉन्ग आंसर का देखो, ठीक है, लॉन्ग आंसर में भी बिल्कुल रामायण कथा नहीं लिखी हुई। एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाय गिविंग साइंटिफिक रीजन, ये एक एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन अब कैसे आते हैं, ब्रेक हो करके आते हैं, ब्रेक हो करके आते हैं। तो ब्रेक हो करके दो दो दिया हुआ है बच्चे, दो दिया हुआ है, तो दो के बारे में हमने समझा दिया। और दो के बारे में कैसे समझाया, पूरा पैराग्राफ में नहीं समझाया, एक ये बताया कि हाइपोथैलेमस क्या है। देखो, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी फंक्शन एज ए इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें पहले बताया है कि क्यों वर्क करता है और इंटरेक्शन इनका कैसे होता है, तो ए एंड बी पॉइंट में लिखा हुआ है। ये भी आंसर देखो बच्चे, पूरा पॉइंट में लिखा है, पूरा पॉइंट में लिखा। आप समझ गए कैसे आपको पॉइंट्स में लिखने हैं, क्लियर। सो आज का सेशन रहा होगा हेल्पफुल, और अब आप लोगों को मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे दूंगी, आप लोग उसके आंसर मुझे भेजेंगे, देन आई विल हेल्प। कौन सी बुक है ये बच्चे, अरिहंत की बुक, ठीक है, ये मेरे पास अरिहंत की बुक है। पहले क्या होता था, पहले एक साइट थी जिससे हम डाउनलोड कर सकते थे फ्री में बुक्स, लेकिन अब वो साइट बंद हो चुकी है, ठीक है, वो साइट क्रैश हो चुकी है। तो उसी समय मैंने ये सारी बुक्स डाउनलोड की थी। आप ओसवाल का भी कर सकते हैं और आप अरिहंत का भी कर सकते। तो मुझे ना इसके ओसवाल के लैंग्वेज थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं और इसका लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छा रहता है अरिहंत, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये बुक भेज दो, है ना, मैम ये बुक भेज दो, चलो ठीक है, यस मैम ये बुक भेज दो, चलो ठीक है। अब मैं थोड़ी आप लोगों की क्वेरी ले लेती हूँ, क्या क्वेरीज हैं। एंड बच्चे, इवोल्यूशन चैप्टर में किसी का मार्क्स कम नहीं आना चाहिए, हमने मेहनत कर रखी है और कल भी मेहनत करेंगे, कल भी पढ़ेंगे अच्छे से इवोल्यूशन।